हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना। और यहाँ पे मैंने चॉपर में ही प्याज लहसुन मिर्च काट लिए हैं छोटे छोटे। और इस चॉपर के बारे में आप कई लोग पूछते रहते हैं बार बार मेरे से, और सच में ये चॉपर बहुत अच्छा है। और मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, नहीं मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर देती, यहीं मेरे जो पास का मार्केट है वहीं से लिया था। और अब ये ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में ही मिलेगा। मैंने देखा था सर्च करके, तो ऑनलाइन भी मिल रहा है, आप लोग ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। और आप लोग ले लीजिएगा, सच में अच्छा है और आप लोग की काफ़ी हेल्प होगी। और यहाँ पे मैं बस दीक्षा को सब कुछ डाल के दे दिया कि चला के बस दाल फ्राई कर लेना, और मैं रोटी सेकने लग गई हूँ क्योंकि ये ड्यूटी से आ गए हैं। तो आज मैंने मसूर की दाल बनाई है और दूसरी तरह से बनाई है, जैसे हमेशा बनाया करती थी खड़ी मसूर, उस तरह से नहीं, दूसरी तरह से। तो काफ़ी टेस्टी बनी थी और आसान है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर कर लूंगी, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तब मैं आप लोग के साथ सोचती हूँ शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी मसूर की दाल, चावल, रोटी, तो ये मसालेदार है। तो आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है, सिर्फ चावल, रोटी और ये दाल है और सलाद है, यही है खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी। खाना वगैरह खाने के बाद सभी छत पे आ गए हैं, धूप में बैठे हैं, और दीपू दीक्षा ने यहीं लाकर खाना खाया। और यहाँ पे कपड़े सूख गए हैं, मैं सुबह वॉशिंग लगाई थी तो 2 घंटे समझ लीजिए कपड़े धुले थे, तो अभी सूख गए हैं। तो जो भी सूखे नहीं उनको पलट दूंगी और बाकियों को उतार लूँगी। थोड़ी सी धूप लगे, इन कपड़ों की वजह से धूप नहीं लगती है। तो खाना वगैरह खा के उसको बोलो पहले पढ़ने दे, पढ़ने नहीं दे रही। और क्या, खुद को पता नहीं क्या हो रहा है। देव भी आ गए हैं छत पे, अभी क्लास खत्म हो गई, बस यहीं आ गए हैं। और कई बार पौधों के लिए पूछ रहे थे खाद खाद का, तो मैं भूल जाती हूँ बताने के लिए। तो बता क्या क्या खाद डालते, गोबर की खाद और पत्ते की खाद, पत्ते की खाद होती है, मिल जाती है जो नर्सरी वगैरह होती है वहाँ पे मिल जाती है। तो पत्ते की खाद, गोबर की खाद, और दूसरा वो डाई भी डाले थे ना, डीएपी डाई होती है। और खाद जो मेन डालता है वो गोबर की खाद होती है पक्की, इनको कह रहे हैं गोबर की खाद होती है। और पत्ते की खाद आती है, जैसे गुलाब हुआ है। जो फूल है गुलाब, गुलाब का कोई भी फूल हुआ तो उसमें केवल पत्ते की खाद डाली जाती है। तो वही पत्ते की खाद। दूसरा चीज पौधों के लिए गुड़ाई बहुत जरूरी है इसकी, थोड़े थोड़े दिनों पे गुड़ाई होना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा खोद दीजिए, किसी भी चीज़ पानी डालना, फिर जो एक्स्ट्रा घास वगैरह निकल आती हैं उनको निकालना। तो केयर तो काफ़ी करनी पड़ती है और ज़्यादातर यही करते हैं, मैं तो बहुत कम, इन्हीं के साथ में थोड़ा बहुत हेल्प भले कर दूँ। और ये मेरी बाउंड्री बहुत ख़राब हो रही है, तो ये छत की ग्रोटिंग करानी होती है। बहुत ख़राब छत बनाने वाले ने बहुत ख़राब कर दिया था, तो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि इसकी बाउंड्री सही कराने की और ग्रोटिंग कराने की। तो छत मेंटेन करना है, लेकिन इधर इन्होंने बहुत सारी खाद दवा, एक डालने वाली भी दवा आती है जो पौधों में जब कीड़े लगने लगते हैं ना, तो उसमें दवा डाली जाती थी। ये इधर ये जो बोरी हुई आप लोग को दिखती होगी कभी कभी बहुत सारी, तो इसमें ये खाद, मिट्टी, दवा ला के सब यहीं रखते रहते हैं और डालते भी रहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, बहुत तेज लेकिन धूप लग रही है आज। तो थोड़ी देर रेस्ट के बाद में ये सारे गमले हटा हटा कर झाड़ू लगाने में लग गए हैं, और मैं अपने कपड़े यहीं बैठकर फोल्ड कर ले रही हूँ। और अपनी कान्हा जी की भी सारी ड्रेसेस मैंने, सारे कपड़े धुले थे, तो ये वॉशिंग में नहीं धुले थे, ये मैंने हाथ से ही धुले थे और पूजा करने आई थी तो उसी समय धुल के डाल दिया था। और ये देखिए टोपी रह गई थी, यहाँ पर छूट गई थी जब मैंने कपड़े फोल्ड किए, तब देखा तो मैंने कहा लो दीपू इसको ले जाओ अभी तुरंत के तुरंत ही मंदिर में रख दो। कपड़े वगैरह रखने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और आज बनाने जा रही हूँ मैं पास्ता, वाइट सॉस पास्ता की कई दिनों से सोच रही थी और बच्चे भी बोल रहे थे, और पहले तो था नहीं, जब रिक्वेस्ट आई फिर मंगवा लिया, फिर भी जैसे कुछ ना कुछ ऐसे नहीं बना पा रही थी। तो आज बस मैं फाइनली बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर पानी रख दिया था, पानी जैसे उबलने वाला हुआ उसे उसमें नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद बस इसमें पास्ता डाल दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा देख के पकाना है, ओवर कुक नहीं होना चाहिए, नहीं फिर मज़ा नहीं आता।
आता खाने में, तो बस बीच बीच में मैं जैसे उबाल आती है तो मुश्किल से 2-3 मिनट ही लगते हैं पकने में, बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका पानी जो होता है उबला हुआ पानी निकालना है और थोड़ा सा पानी उबले हुए पानी में से रख देना है उसके लिए जब हम पास्ता बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए। तो बस छान ओन के उसको ठंडे पानी से धुल के रख दिया है और यहाँ दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा ये लहसुन या तो आप छोटे छोटे से काट के डाल दीजिए या इस तरह से मैंने तो कूट के इसमें डाल दिया है लहसुन को थोड़े से तेल में। उसके बाद प्याज, शिमला मिर्च और ये जो गाजर है, ये तीनों चीज़ ये दीक्षा को मैंने दे दिए थे, वो कमरे में थी अपने तो वहीं बैठे बैठे काट दिए थे क्योंकि मैं आई हूँ तो नीचे मेरे बर्तन वगैरह भी मेरे दोपहर के खाने के पड़े थे तो वो सब भी धुलना था। तो बस अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इन सब्जियों को थोड़ा सा ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और इनको डाल के हल्का सा इनको भूनना है। तो सब्जियां मेरी पक चुकी हैं और मैंने गैस बंद कर दी है और इनको हटा के साइड में रख दिया है दूसरी गैस पे। और इस गैस पे मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई है, तो ये वही जिसमें मैंने पास्ता बॉयल किए थे उसी कढ़ाई को धुल लिया था। और इसमें डाल देना है बटर, और बटर डालने के बाद पहले थोड़ा सा बटर गलेगा और इसके बाद इसमें मैदा लिया है। तो मैदा इसमें ये बड़े चम्मच से मतलब 2 चम्मच है, तो ये 1/2 किलो के करीब में मेरा पास्ता है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें मैदा डालना है। और बटर में इसको अच्छे से थोड़ी देर पकाना है, थोड़ा सा ये मैदा जो है बढ़िया सा पक जाए। पकने के बाद इसमें मैंने दूध डाला है 1 कप और इसको डालने के बाद फिर इसको थोड़ी देर पकाना है। तो दूध एकदम से जब चलाते चलाते फिर से गाढ़ा हो जाएगा, ये एकदम से फिर पक समझ लीजिए एक तरह से ये पक जाएगा। तो देखिए कैसे सूख गया है। फिर इसमें दोबारा से 1 कप से डालना है दूध और फिर इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें मतलब एकदम स्मूथ सा बैटर जैसा होता है ना उस तरह से इसको बना लेना है। और जैसे ही ये खूब बढ़िया अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन गया है तब इसमें ये मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई थी, ये सब मैंने घर में ही पीस के बनाया है कूट के। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि नमक सब्जियों में भी है और जो हमने पास्ता उबाले थे उसमें भी थे, तो थोड़ा सा इसमें भी नमक डालना है। फिर ये जो सब्जियाँ हमने फ्राई करके रखी थी इनको डाल दिया है और इनको डालने के बाद बस इसमें ये पास्ता डाल देना है। तो ये थोड़ा सा ऐसे चिपक से जाते हैं तो इनको हाथ से ही हल्का हल्का सा वो कर देंगे तो ये छूट जाएगा। तो जब हमने पास्ता बॉयल किया था थोड़ा सा पानी निकाल के रख दिया था, बॉयल पानी वो डाल दिया है इसमें पास्ते में और इसको अच्छे से मिला लेना है। और इधर दीक्षा ने थोड़ी सी चीज़ रखी हुई थी उसको क्रश कर लिया है मतलब ग्रेट कर दिया है ऊपर से डेकोरेशन मतलब ऊपर से डालने के लिए, अच्छा भी लगता है डाल के। अगर चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगता है। बस ये देखिए मेरा वाइट सॉस पास्ता तैयार है, तो टेस्ट करके बताइए आप लोग कैसा बना है। एक बार नहीं मैं 2 बार आप लोग को खिला रही हूँ, तो बताइएगा और लाइक करिएगा, लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करिए, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए थैंक यू। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे कैसे आ गए हैं सारे लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने के लिए इतनी ज़्यादा तेज़ी से तैयार हो जाते हैं और दाल चावल खाना बन जाए ना चिल्लाना पड़ता है। तो सब ये देखिए आज ये आग जला के यहाँ बैठे हुए हैं, आग सेकने के साथ साथ सब पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कैसे दीक्षा फोन रख के थोड़ा सा खा लो थोड़ी देर। तो बस मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी बना है, आ जाइए। बस ऊपर से आग वगैरह सेकने के बाद नीचे आके हम लोगों ने खाना पीना किया था, जल्दी जल्दी खाना बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम ऊपर हम लोग बैठे रहे। और आज खाने में बनाया था निमोना चावल रोटी और वही हुआ है खाने में। उसके बाद किचन क्लीनिंग में लग गई हूँ और दीक्षा बर्तन मान देंगी, दीपू आके धुल देंगी, तो इस तरह से जल्दी हो जाता है, यही हमारा डेली का रूटीन होता है। उसके बाद बस दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और मलाई थोड़ी सी निकालनी थी वो निकाल दी है और पूरा दूध मतलब देना
छेना नहीं रहता, तो इसलिए आधा दूध भगोने छोटे भगोने में मैं ही डाल के गर्म कर लेती हूँ। और साथ में पानी गर्म करके इन लोग का भर के दे दिया है, क्योंकि रात में ये लोग गर्म पानी पीते हैं। और यहाँ मतलब देव को सिर्फ हल्दी दे रही हूँ डाल के, और दीपू दीक्षा को बॉर्नविटा डाल के दिया है, और मैं अपने दूध में भी हल्दी डाली हूँ, क्योंकि देव को ना 2-3 दिन से सर्दी खांसी हो रही है, तो इसलिए उसको अदरक 3-4 दिन से खांसी भी हल्की हल्की आ रही, तो अदरक का रस निकाल के और इसमें शहद मिला के ये दे रही हूँ रात में, और हल्दी वाला दूध दे रही हूँ। और ये शहद दिखा रही हूँ कि पतंजलि का है, और ऐसा जम गया है क्या बताऊँ, मतलब इसमें अदरक के रस में मिलाते हुए नहीं बनता है, तो उसको पीने का मन तो नहीं होता, पर मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं बाहर दवा वगैरह बहुत जब ज़्यादा होता है तभी लेने जाती हूँ, नहीं कोशिश यही रहती घर की चीज़ें जो होती हैं आयुर्वेदिक जो हम घर में बनाते हैं वो सारी चीज़ें दे दूँ। तो बस यहाँ पे देव को ले जाके दूध दूँगी, और इन लोगों ने ले लिया है दीपू दीक्षा ने दूध। और ये देखिए ये माधवी है, हमारे बगल के ही हैं, और भाभी बोलती हैं, अंजू नाम है इनकी मम्मी का, तो ये भी मुझे भाभी ही बोलती है, और जहाँ भी देखेगी नमस्ते करेगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब मानती भी, बहुत क्यूट भी है। तो मेरे लिए पापा का बर्थडे था तो बोल के मुझे भाभी के लिए केक लेके जाना है मेरे लिए इतनी रात में वो केक लेके, क्योंकि टाइम 9:30 के करीब में हो रहा है, बोली नहीं मुझे लेके जाना है और लेके तो कह रही, मैंने कहा चलो आजा चाय पानी तो कर लो, हंसी मजाक हो रहे थे, लेकिन अच्छा लगता है कोई जब इतना मतलब प्यार करता है। दोस्तों फुर्सत हो गई, सारे काम हो गए, सब यहाँ पे दूध वगैरह सारा चीज ब्रश वगैरह सब कर लिए हैं, और चिट्ठी भी जल्दी कर लूँ, 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो बस अब लेटने ही जा रही हूँ सीधे। तो आप लोग को गुड नाइट बोलती हूँ, और एक कमेंट का रिप्लाई मुझे करना था लास्ट में, आज मैंने कई चीज़ें कर ली हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई जब कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई चीज़ पूछता है अगर छोटा रहता है आंसर, तो मैं उसी में वीडियो में ही मतलब कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ, और कई बार मुझे लगता थोड़ा ज़्यादा बोलना है तो इसलिए फिर इसमें वीडियो में रिप्लाई करती हूँ। तो पूछ रही थी कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत उठाना है और मैं कब से उठाऊँ, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना मुझे पता है हम लोगों के यहाँ होता है कोई भी नया व्रत जब हम शुरू करते हैं तो उजाला पाक बोला जाता है, जिसमें चंद्रमा मतलब दिन में ही निकल आता है, जैसे अंधेरी रात होती है एक उजाली रात होती है, तो जो उजाली रात होती है वो उसमें व्रत उठाया जाता है नया, तो अभी वही चल रहा है, तो आप इस शुक्रवार से उठा सकती हैं अगर आप वीडियो देख रही हूँ। हो गया रिप्लाई, मैं सोच रही थी पर मैं भूल गई थी करने के लिए, तो आज फाइनली मैं आप लोग को बता दी हूँ। और मैं पहले शुरू में कई बार उठा चुकी हूँ व्रत, तो पहले ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बहुत पहले मैं गांव में जब रहती थी तब मैंने वैभवलक्ष्मी माता का व्रत शुरू किया था, तो उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं था उजाला पाक या कुछ, तो मुझे किसी ने उद्यापन में बुलाया था, और जब मुझे किताब मिली उसमें कुछ ऐसा लिखा भी नहीं था, तो मैंने शुरू कर दिया था कभी भी जैसे उठा लिया था, और 11 शुक्रवार रख के उद्यापन भी किया था, तो वो श्रद्धा मन से होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हैं कि कुछ होता है मन में कि पूछ लो कब से शुभ होगा क्या होगा, तो उजाले पाक से शुरू करके व्रत रख सकते हैं, और अभी वही चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और देव को अदरक और शहद पिलाने के बाद ऐसा मुँह बनाता है, अभी ये काम करने बैठे हैं, कल स्कूल है सुबह, दीक्षा इधर बैठी हैं फोन में लगी हैं, देखो उधर अपना बैठी हैं बुक लेके, सब इधर उधर बैठे हुए हैं, अब ये लोग लेटेंगे और मैं भी लेटूंगी। तो चलिए फिर गुड नाइट, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, दीपू बाय करो भाई, बाय।